धान का सीजन अभी आने वाला है और धान में जो एक सबसे ज़्यादा समस्या हमको देखने को मिलता है वो होता है BPH, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर या फिर भूरा माहू। और भी ऐसे बहुत सारी बीमारी होती है जो धान में देखने को मिलता है, लेकिन ये जो BPH है ये बहुत ही बड़ा महामारी टाइप से होता है और ये लगभग पूरे के पूरे खेत को ख़त्म कर देता है, वो भी 2 से 3 दिन में पूरे खेत को ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए BPH से बचाव हमको पहले करना चाहिए, और BPH का बचाव अगर हम लोग पहले से करते हैं तो हमारे फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमको तैयारी करनी पड़ेगी बीज से। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे हाइब्रिड बीज के बारे में जो कि BPH के प्रति सहनशील हैं, और इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो इसमें BPH की बीमारी नहीं लगेगी। एक चीज़ और, लोग हाइब्रिड लगाते हैं, तो आज के वीडियो में हाइब्रिड बीज के ही बारे में बात करूँगा कि ये जो हाइब्रिड बीज है ये BPH से भी सुरक्षित है और हाइब्रिड होने के नाते आपको उत्पादन भी अच्छा प्राप्त मिलेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऐसी जो बीज होती है जिसमें कुछ ऐसे जो टॉलरेंस होते हैं, जिसमें कुछ प्रतिरोधी क्षमता होती है, उसमें उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होता, उत्पादन में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन उसकी टॉलरेंस क्षमता के चलते वो वाले बीज को डेवलप किया जाता है। लेकिन हाइब्रिड बीज है तो सामान्य बीज के मुकाबले आपको ज़्यादा ही उत्पादन प्राप्त होगा। तो इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं जो कि बायर ने अभी 2018 में एक बीज लॉन्च करी है जो कि AJ8433DT, ये वाले नाम से उन्होंने ये वाले बीज को उन्होंने लॉन्च करी है, और ये स्पेशली BPH और BLB जो बैक्टीरियल लिप ब्लास्ट होता है उसके लिए और माहू के लिए, ये दोनों चीज़ के प्रति ये टॉलरेंट है। मतलब इसको अगर आप आपके खेत में लगाते हैं तो आपके खेत में भूरा माहू और जो ये BLB बीमारी है वो आपके फसल में नहीं आएगी। इसको ट्रायल के रूप में अपने उड़ीसा में भी ट्राई किए थे, छत्तीसगढ़ में भी ट्राई किए थे, हर जगह इसमें अच्छा रिजल्ट मिला है, और ये अभी अभी लॉन्चेड है तो इसे बहुत इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सेकेंड करिश्मा जो कि कंपनी है नजी वेदू, और इसकी जो बीज का नाम मैंने आपको बता दिया करिश्मा, और ये 130 से लेकर 135 दिन के अंदर में ये पक के तैयार हो जाता है, और इसके दाने जो है मध्यम पतले होते हैं, और ये जो है ब्लास्ट और BPH ये दोनों के प्रति सहनशील होती है, और इसकी औसत उत्पादन की मैं बात करूं तो ये 32 से लेकर 36 क्विंटल पर एकड़ तक है, और इसको आप यूपी में, बिहार में, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसको आप इन सारे जगह में लगा सकते हैं। इसी कड़ी में तीसरे नंबर पे है माइको कंपनी का MRP 5407। MRP 5407 ये लंबे बोल्ड इसके जो दाने होते हैं, और ये जो है BPH के प्रति सहनशील है, भूरा माहों के प्रति ये सहनशील है। पौधे की ऊंचाई 115 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है, ये भी 135 दिन में रेडी हो जाते हैं। इसी कड़ी में चौथे नंबर पे है माइको कंपनी का ही MRP 5632। ये जो 5407 का एक उत्कृष्ट है, ये ब्लास्ट के साथ BPH के प्रति सहनशील है। मतलब पहले वाले में सिर्फ BPH था तो उसमें इम्प्रूव करके उन्होंने ब्लास्ट के प्रति भी उन्होंने इनके सहनशील को बढ़ा दिया है, और ये भी लगभग 135 दिन में तैयार हो जाते हैं। इसकी भी ऊंचाई 105 सेंटीमीटर की होती है। तो ये 4 हाइब्रिड राइस के बारे में मेरे को पता था जो BPH के प्रति सहनशील हैं। अगर आपके क्षेत्र में BPH और BLB दोनों की समस्या आती है तो आप बायर का लगा सकते हैं, अगर आपके क्षेत्र में ब्लास्ट और BPH की समस्या आती है तो माइको कंपनी का जो 5632 है आप उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप आपके क्षेत्र के हिसाब से आप अपने फसल का चयन कर सकते हैं और उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसी कड़ी में ऐसे बहुत सारे धान हैं जो प्रमाणित हैं, जो हाइब्रिड नहीं है, कुछ लोकल हैं, कुछ प्रमाणित बीज हैं, उसमें भी ऐसे बहुत सारे वैरायटी हैं जो BPH के प्रति सहनशील हैं। तो अगर आप उसके भी बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करिए, मैं उसके बारे में भी अगला वीडियो आपको दे दूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना, इससे संबंधित कुछ भी आपके सवाल तथा सुझाव हो तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करिए, वीडियो को आप शेयर करिए, जितने भी आपके किसान मित्र हैं, आपके परिवार वाले हैं जो भी खेती करते हैं उन पर आप शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।